हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अगेन हेयर। आज हम आरएस अग्रवाल के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो सॉल्यूशंस किए थे वो एग्जांपल नंबर 13 तक थे। आज हम एग्जांपल नंबर 14 से करेंगे, ठीक है? ओके, लेट अस मूव ऑन नाउ ऑन एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल 14, ठीक है? ये क्वेश्चन है, वन अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा माइनस वन अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये एग्जांपल नंबर 14 है और ये सीबीएसई में दो बार आया हुआ है, बोर्ड के क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है? इसको डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा फेयर कर दें। वन अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा कि आप LHS को सॉल्व करें और सॉल्व करके RHS के को लेकर आ जाएं। इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए ये कैसे सॉल्व होता है। आप देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड पर लिखा हुआ है कोसेक कॉट और यही चीज़ राइट हैंड पर भी लिखी हुई है कोसेक कॉट, ठीक है? यहाँ लेफ्ट हैंड पर लिखा है वन अपॉन साइन और यही चीज़ राइट हैंड पर भी लिखी हुई है वन अपॉन साइन। आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है कि कोसेक कॉट वाली जो टर्म्स हैं सेम टर्म है उनको एक साइड कर लेना है और साइन थीटा वाले टर्म्स को एक साइड पर कर लेना है, ठीक है? तो इसमें सिर्फ LHS सॉल्व नहीं होगा, RHS भी सॉल्व होगा, ठीक है? तो हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन वन अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एज इट इज। ये फ्रैक्शन LHS पर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ माइनस में इधर शिफ्ट होके हो जाएगा प्लस वन अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, ये एज इट इज वन अपॉन साइन थीटा, ये माइनस का वन अपॉन साइन थीटा इधर शिफ्ट होके प्लस वन अपॉन साइन थीटा। अब हम इधर क्या करेंगे, इधर LCM लेंगे। LCM कैसे लेते हैं, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जब लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी का स्क्वायर कैसे लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वन की कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से करेंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा प्लस वन की कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ जाएगा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा का प्लस वन अपॉन साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा का। तो हमने दोनों को चेंज करके क्या करा, कोसेक थीटा लिख दिया। अगर आप यहाँ देखें, माइनस का कॉट थीटा और प्लस का कॉट थीटा कट हो गया, यहाँ बचा कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, टू कोसेक थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन के इक्वल होता है, तो मैंने वन लिख दिया इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा टू कोसेक थीटा। अब डिनोमिनेटर में हम वन लिखें ना लिखें डजेंट मैटर, ठीक है? तो हमारा LHS RHS के इक्वल आ गया, यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 15 भी इसी पैटर्न पर ही है। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15 है वन अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स माइनस वन अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू वन अपॉन कॉस एक्स माइनस वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो सेम पैटर्न पर ही क्वेश्चन है, ठीक है?
sec x tan x इधर भी है, sec x tan x राइट हैंड पर भी है, और एक cos x लेफ्ट हैंड पर है और एक cos x राइट हैंड पर है। तो हम क्या करते हैं, cos x को उधर शिफ्ट कर देंगे और इस फ्रैक्शन को इधर ले आएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ LHS मत लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ LHS नहीं कर रहे, हम दोनों साइड्स एक साथ कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम 1 अपॉन sec x माइनस tan x, ये माइनस का है, इधर शिफ्ट होके प्लस 1 अपॉन sec x प्लस tan x। जब आप शिफ्टिंग करा रहे हैं ना, जब आप शिफ्टिंग करा रहे हैं तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ये वाला साइन चेंज होगा, माइनस का इधर शिफ्ट होके प्लस हो गया। 1 अपॉन cos x एज इट इज, माइनस का 1 अपॉन cos x, इधर शिफ्ट होके प्लस 1 अपॉन cos x। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, LCM लेंगे, LCM लेंगे तो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर को लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर को लिखेंगे tan स्क्वायर x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, वन की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही आ जाएगा sec x प्लस tan x, प्लस वन की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही आ जाएगा sec x माइनस tan x इक्वल टू 1 अपॉन cos x इक्वल होता है sec x के, 1 अपॉन cos x इक्वल होता है sec x के। sec square x माइनस tan square x आइडेंटिटी होती है 1 के इक्वल होती है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1, और माइनस का tan x प्लस का tan x कट हो गया, sec x प्लस sec x क्या हो जाएगा 2 sec x इक्वल टू, और sec x प्लस sec x 2 sec x, डिनोमिनेटर का 1 हटा देते हैं। ठीक है, तो LHS इक्वल आ गई RHS के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एग्जांपल नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ और ये भी CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 16 आपका NCERT का ही क्वेश्चन है, तो मैं एग्जाम्पल 16 छोड़ रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल 17 करा रहा हूँ, एग्जाम्पल 17। और ये है sec raised to the power 4 theta माइनस sec square theta इक्वल टू tan square theta प्लस tan raised to the power 4 theta। ठीक है, हमें LHS सॉल्व करके RHS के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन, और अब हम क्योंकि LHS सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS, एक बार मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, sec raised to the power 4 theta माइनस sec square theta। अगर आप देखें इसमें sec square है, इसमें भी sec square है। ठीक है, मैं sec square theta को कॉमन ले लेता हूँ, sec स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट में अंदर, sec स्क्वायर थीटा माइनस, ये तो बाहर गया ना, इसकी जगह 1। इसके बाद आंसर चाहिए हमें tan की फॉर्म में, तो हमें दोनों को चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, ये आइडेंटिटी है, तो मैं sec स्क्वायर थीटा को चेंज करके लिख रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस sec स्क्वायर थीटा को भी चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर में tan चाहिए, है ना, तो sec स्क्वायर थीटा को चेंज करके लिख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज। तो आप देखिए 1 से 1 कट हो गया, यहाँ बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच रहा है ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा को जब आप 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो tan स्क्वायर थीटा ही आएगा प्लस, और tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो tan raised to the power 4 थीटा हो जाएगा, इक्वल आ गया RHS के, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18 करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एग्जाम्पल 18. एग्जाम्पल 18 है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा ये क्वेश्चन है हमारा. 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर. हमें LHS सॉल्व करनी है और LHS सॉल्व करके RHS के इक्वल लेकर आना है. ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, किसी क्वेश्चन में आपको न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स मिले, सेम टर्म्स, जैसे यहाँ 1 और sin थीटा है, यहाँ भी 1 और sin थीटा है. यहाँ 1 और sin थीटा है, यहाँ 1 और sin थीटा है, ऊपर और नीचे सेम टर्म्स हो, ऊपर और नीचे सेम टर्म्स हो, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस हो. आई एम अगेन रिपीटिंग, ऊपर और नीचे सेम टर्म्स हो, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस हो और टोटल 2 टर्म्स हो, तो टोटल 2 टर्म्स हो. 3 बातें याद रखनी है. पॉइंट नंबर 1, ऊपर और नीचे सेम टर्म्स हो. पॉइंट नंबर 2, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस हो. ठीक है, पॉइंट नंबर 3, टोटल 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो. तो ऐसे केस में आपको रैशनलाइज करना है. ठीक है, मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ. यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन LHS. ठीक है, 99% ऐसे केसेस में रैशनलाइज ही होता है. टोटल 2 टर्म्स हो, प्लस माइनस का डिफरेंस हो बस, अब प्लस चाहे ऊपर हो या नीचे हो, डजेंट मैटर. और टोटल 2 टर्म्स हो, प्लस माइनस का डिफरेंस हो और सेम टर्म्स हो, तो रैशनलाइज करना है. 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा रैशनलाइज कर रहे हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज करते हुए साइन चेंज कर देते हैं. 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा. तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ a माइनस b a प्लस b बन जाएगा. a माइनस b a प्लस b होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बी का स्क्वायर करेंगे तो साइन पर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अच्छा आंसर में ना आपको होल स्क्वायर चाहिए, तो ये जो स्क्वायर आ रहा है ना, आप यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, वरना ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट जो है स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा. तो आप इस स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर एज इट इज़ अपॉन, 1 का स्क्वायर होगा 1, ऐसे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के. ये फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा. अब आप देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है. हम ऐसा कर सकते हैं, पूरे फ्रैक्शन का एक स्क्वायर लगा दें बस ऐसे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉस थीटा को 1 के साथ सेपरेट करके लिख देते हैं और कॉस थीटा को साइन थीटा के साथ सेपरेट कर देते हैं. कॉस थीटा को 1 के साथ सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस, और यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. कॉस थीटा को हमने 1 के साथ सेपरेट किया, कॉस थीटा को साइन थीटा के साथ सेपरेट किया, स्क्वायर ऐसे ही रहेगा. 1 अपॉन कॉस थीटा ये फॉर्मूला होता है इक्वल होता है सेक थीटा के प्लस, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के स्क्वायर. देखिए आगे आंसर यहाँ लिख देंगे, इक्वल आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 समझ आया आपके? तो हम एग्जाम्पल नंबर 19 करते हैं. ये जो एग्जाम्पल नंबर 18 है ना, ये भी CBSE में आया हुआ है, 2008 में आया था ये क्वेश्चन. ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19. एग्जाम्पल नंबर 19 भी CBSE में आया हुआ है, ये मैं रेज कर रहा हूँ. एग्जाम्पल नंबर 19,
क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। इसका पता है रिवर्स क्वेश्चन ही एनसीईआरटी के अंदर है, एक्सरसाइज 8.4 पेज नंबर 193 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर है ये क्वेश्चन। तो ये वही क्वेश्चन है, यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन हम इसका कैसे करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टोटल टू टर्म्स हैं, टोटल टू टर्म्स हो, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस हो और टर्म सेम हो, तो आपको नॉर्मली रैशनलाइज ही करना पड़ता है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और रैशनलाइज करेंगे। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a का स्क्वायर लिखेंगे ऐसे, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे को मैंने फॉर्मूले से चेंज कर दिया, अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, हम ऐसे करते हैं पूरे ब्रैकेट का एक स्क्वायर लगा लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा को 1 के साथ सेपरेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा माइनस, साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा को 1 के साथ और साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ सेपरेट कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल है, कॉसेक थीटा के, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये आ गया इक्वल स्क्वायर, इक्वल आ गया आर एच एस के, हैंस प्रूव्ड, एग्जाम्पल नंबर 19 भी हमारा कंप्लीट हुआ। कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स पूछ सकते हैं, आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 है आपका, इसमें एक्चुअली है ना थ्री पार्ट्स हैं, हम इसका पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड की इक्वल लेकर आनी है। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसमें है ना, आप क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट तो कोई फार्मूला नहीं बन रहा, आप इसमें रैशनलाइज कर लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा। रैशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए साइन थीटा की किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 1 प्लस कॉस थीटा से, मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। अगर आप नीचे देखेंगे ना, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये फार्मूला इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ करते हैं आगे, न्यूमरेटर आप ऐसे ही रखिएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के।
तो एक साइन से एक साइन कट गया, ये बचा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा को वन के साथ सेपरेट कर देंगे, वन अपॉन साइन थीटा प्लस इस साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ सेपरेट कर दीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो वन अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, फॉर्मूला है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, इक्वल आ गया आर एच एस के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, इतना ज़्यादा टफ नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है वन अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए एक्चुअली, देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाऊँ इसके सॉल्यूशन से पहले, कहीं अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे मिले ना वन अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, या फिर ऐसे लिखा हुआ मिले वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या फिर कहीं ऐसे मिले कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और कहीं ऐसे मिले वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, मतलब इस टाइप की टर्म्स अगर मिले तो आपको रैशनलाइज कर देना है। ठीक है, इस टाइप की कहीं पर भी टर्म्स मिले आप रैशनलाइज कर दीजिए, ईजिली आंसर आ जाएगा। तो मैं इसके सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड पर रैशनलाइज करूँगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना कुछ ऐसी फॉर्म है। तो वन अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई रैशनलाइज कर रहे हैं हम, ये इरेज कर देते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा sec थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा। sec थीटा प्लस टेन थीटा को वन से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, sec थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में है ना sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है, ये इक्वल होता है वन के, और ऊपर sec स्क्वायर थीटा sec थीटा प्लस टेन थीटा आ गया, इक्वल आ गया आर एच एस के, हैंस प्रूव्ड। ईजी था ना सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है sec थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू sec थीटा टेन थीटा sec थीटा टेन थीटा। ठीक है, ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। देखिए ऊपर नीचे सेम टर्म्स हैं, सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है, तो आपको क्या करना है इसमें, रैशनलाइज करना है। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे सॉल्यूशन, sec थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा, मल्टीप्लाई का साइन लगाकर sec थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा, ऊपर हो जाएगा sec थीटा माइनस टेन थीटा, sec थीटा माइनस टेन थीटा सेम है, तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या फॉर्मूला बनता है इसका, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे, जब ए का स्क्वायर लिखेंगे तो sec स्क्वायर थीटा लिख देंगे, माइनस टू ए बी लिखेंगे तो माइनस टू इंटू ए, ए आ गया sec थीटा, बी आ गया tan थीटा, प्लस का बी स्क्वायर, बी है tan थीटा, तो यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन, डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला बन गया sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन,
तो डिनोमिनेटर का वन खत्म, मैं उसको हटा देता हूँ, ठीक है। अभी आंसर आपका मैच नहीं हुआ है ना। देखिए आपको माइनस टू sec थीटा tan थीटा चाहिए था, वो आ गया, और आपको वन प्लस टू tan स्क्वायर थीटा चाहिए, sec स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा। इस sec स्क्वायर थीटा को फॉर्मूले से चेंज कर देंगे, ये जो sec स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ये फॉर्मूले में इक्वल होता है वन प्लस tan स्क्वायर थीटा के, तो हम इस sec स्क्वायर थीटा को लिख रहे हैं वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो प्लस का tan स्क्वायर थीटा था, मैं इसको साथ में लिख लेता हूँ, प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और इसको लास्ट में माइनस टू sec थीटा tan थीटा, ठीक है। तो वन एज इट इज़ रहेगा, प्लस tan स्क्वायर हो गया, टू tan स्क्वायर थीटा माइनस टू sec थीटा tan थीटा, ठीक है, इक्वल आ गया आर एच एस के, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया, बाकी एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।